अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से हैं? खुश हैं? चलें आज हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइन टेक्स्ट। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो रहा है फाइन टेक्स्ट का क्या मतलब, कोई चीज़ फाइंड करना। व्हेन अ यूज़र वर्क्स विद अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट, द क्विकेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज इज़ टू यूज़ फाइन कमांड। वो कह रहा है जब हम किसी अपने लॉन्गर डॉक्यूमेंट, बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं, कोई बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, तो हमने अगर कोई वर्ड फाइंड करना है, कोई फ्रेज, कोई वर्ड फाइंड आउट करना है, तो सबसे ईजी और सबसे फास्टेस्ट वे क्या होता है? फाइंड कमांड का। ठीक है, अब इसको कैसे हम यूज़ करते हैं वो आपको आगे प्रोसीजर बता रहा है। टाइप द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेव इट एज अ जिन्ना डॉक्यूमेंट। हमने मिस्टर जिन्ना के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा और हमने उसको किस नाम से सेव कर दिया? जिन्ना डॉक्यूमेंट। ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक फाइंड और प्रेस कंट्रोल प्लस F। वो कह रहा है आप होम टैब पे जाएं, ये है होम टैब, वहाँ आपको एडिटिंग ग्रुप नज़र आएगा, उसको क्लिक करें, वहाँ आपको नज़र आएगा फाइंड, फाइंड को क्लिक करें। ये आप देख सकते हैं फाइंड, फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। वो कह रहा है आप फाइंड को क्लिक करें या आप अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की यूज़ कर लें, कंट्रोल प्लस F आपकी शॉर्टकट की होती है, आप वो यूज़ कर लें या आप होम टैब में जाके फाइंड क्लिक कर दें। फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इस तरह का एक बॉक्स अपीयर होगा बच्चे, जिसको फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इन द फाइंड व्हाट बॉक्स टाइप जिन्ना, ये लिखा हुआ फाइंड वर्ड, इसको फाइंड वर्ड बॉक्स कहा जाता है। हमने कौन सा वर्ड टाइप करना है, सपोज़ मैंने जिन्ना वर्ड जो है ना फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ इस बॉक्स में क्या लिख दूँगी, क्या टाइप कर दूँगी? जिन्ना। क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू स्टार्ट द रिसर्च। मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगी तो वो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो मुझे जिन्ना वर्ड फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, वर्ड हाईलाइटिंग द फर्स्ट मैचिंग वर्ड इट फाइंड्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या करेगा, जो भी वो मुझे जिन्ना से पहला मिलता जुलता वर्ड नज़र आएगा उसको वो मुझे वो उसको हाईलाइट करके बताएगा। क्लिक फाइंड नेक्स्ट टू फाइंड द नेक्स्ट मैचिंग वर्ड। अगर सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि नहीं ये वाला वर्ड तो नहीं है, तो मैं अगेन फाइंड नेक्स्ट को क्लिक करूँगी तो वो मुझे अगला मैचिंग या मिलता जुलता वर्ड फाइंड आउट करके दिखाएगा जो जिन्ना से मिलता जुलता होगा। रिपीट अंटिल अ डायलॉग बॉक्स अपीयर्स टेलिंग दैट मैच इज़ कम्प्लीट। वो कह रहा है तब तक आप फाइंड आउट करते रहें जब तक आपको अपना अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं मिल जाता, या जब तक आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरह का एक बॉक्स शो नहीं करवाता। इस बॉक्स में वो क्या लिखता है, वर्ड हैज़ रीच द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपको उस जैसा वर्ड नहीं मिलता तो वो आपको कहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने पूरा डॉक्यूमेंट रीड करके आपको बता दिया है एंड तक। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर रिसर्च फ्रॉम द बिगिनिंग। अब वो आपको कह रहे हैं कि क्या आप दोबारा से अपनी रिसर्च कंटिन्यू करवाना चाहते हैं बिगनिंग से? अगर येस, अगर आप दोबारा से रिसर्च करना चाहते हैं तो आप येस कर देंगे, वो आपको अगेन हाईलाइट करके वर्ड्स दिखाएगा। और अगर आप कहते हो नो, तो फिर आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, क्लिक नो टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। नो को क्लिक कर देंगे तो डायलॉग बॉक्स ख़त्म हो जाएगा। इस तरह हम कोई वर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। टॉपिक से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को फाइंड और उसको फिर रिप्लेस कैसे कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। रिप्लेस कमांड इज़ यूज व्हेन अ यूजर वांट्स टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज। रिप्लेस कमांड कब यूज़ होती है, जब हम किसी वर्ड या फ्रेज को किसी और वर्ड या फ्रेज के साथ रिप्लेस करना चाहें। दिस फीचर कैन बी यूज टू मेक सर्वर चेंजेस विद अ सिंगल क्लिक। हम डिफरेंट या बहुत ज़्यादा टाइप्स ऑफ चेंजेस कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के साथ। वो कैसे, वो आपको प्रोसीजर बता रहा है। उसने कहा कि आपने वो जिन्ना वाला डॉक्यूमेंट ओपन किया, ऑन द होम टैब इन द एडिटिंग ग्रुप क्लिक रिप्लेस। कह रहा है उसी तरह आप अपने होम टैब पे जाएं। हम अपने होम टैब पे गए, हम एडिटिंग ग्रुप में गए, फाइंड के नीचे ही रिप्लेस का ऑप्शन आता है, आप रिप्लेस को क्लिक करें। ठीक है, जब हम रिप्लेस को क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। इस तरह का, उसी तरह का फाइंड और रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फाइंड वर्ड, जो वर्ड हमने फाइंड करना है और उसको जिसके साथ रिप्लेस करना है। अब उसने कहा इन द फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप जिन्ना। मैंने जिन्ना टाइप किया, मैं जिन्ना को रिप्लेस करना चाहती हूँ। किसके साथ, कायदे आज़म के साथ। इन द रिप्लेस विद बॉक्स टाइप कायदे आज़म। रिप्लेस विद बॉक्स में मैंने क्या टाइप कर दिया, कायदे आज़म।
क्लिक रिप्लेस ऑल, रिप्लेस ऑल को जब हम क्लिक करेंगे बच्चों, तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी वर्ड जिन्ना के होंगे वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे, कायदे आज़म, यानी जिन्ना की जगह मेरे डॉक्यूमेंट में क्या आ जाएगा, कायदे आज़म। क्लिक ओके टू क्लोज द मैसेज, मैं ओके क्लिक कर दूँगी तो ये सारे चेंजेस, सारी सेटिंग्स ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट में जिन्ना लिखा हुआ है, जब मैंने उसको रिप्लेस किया कायदे आज़म के साथ, तो जिन्ना की जगह हर जगह कहाँ क्या आ गया, कायदे आज़म। ठीक है, ये फ़ायदा होता है रिप्लेस टेक्स्ट का, कि हमें बार बार इरेज करके एक पर्टिकुलर वर्ड की बजाय हम जो है क्या करें, उसको यहाँ पे ऐसे फाइंड और रिप्लेस में करें, तो हमारे पूरे डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, टाइम बच जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो छोटे छोटे से टॉपिक हैं आज के। आपने क्या करना है बच्चों, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर्स पे, अपने लैपटॉप्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको और अच्छा क्लियर हो जाए कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, ओके, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।